इंदौर से खंडवा तक की सड़क खराब स्थिति में है, यहाँ जगह जगह पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को मृदुभाषी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब कांग्रेस मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने इंदौर से खंडवा सड़क मार्ग पर जनता की सुविधा के लिए चार्टेड हॉर्स परिवहन यात्री सेवा मध्य प्रदेश एवं राज्य परिवहन बैलगाड़ी यात्री सेवा मध्य प्रदेश के परमिट की मांग मुख्यमंत्री से की है। कांग्रेस ने चार्टेड हॉर्स का नाम भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम सीएम इन वेटिंग एक्सप्रेस रखने के साथ ही राज्य परिवहन बैलगाड़ी का नाम घोषणा वीर एक्सप्रेस के नाम पर रखने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस के नेता ने घोषणा की है कि अगर वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री चौहान इंदौर से खंडवा कार से जाते हैं तो उन्हें 1,00,000 रुपए का इनाम कांग्रेस द्वारा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि चार्टेड हॉर्स और राज्य परिवहन बैलगाड़ी के चलने से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से भी आम जनता को राहत मिलेगी। साथ ही कांग्रेस ने 200 गाड़ी चार्टेड हॉर्स यात्री सेवा और राज्य परिवहन बैलगाड़ी के परमिट की मांग मुख्यमंत्री से की है। देखिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से भोपाल से उड़ते हैं, खंडवा में उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता वीडी शर्मा भोपाल से उठते हैं, खंडवा में उतरते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि इंदौर से कार के द्वारा इंदौर खंडवा जा सके। इतनी खराब रोड है कि खंडवा पहुंचने में 6 घंटे का समय लग रहा है। जो बसें चल रही हैं वो जान जोखिम में डाल के यात्री उसमें बैठ के वहां जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो सड़कों के गड्ढे नहीं भरा सकता, वो खंडवा लोकसभा में झूठे वादे कर रहा है, 3 विधानसभाओं के चुनाव में झूठे वादे कर रहा है कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोड अमेरिका जैसी बना देंगे। 16 साल हो गए इंदौर खंडवा रोड आज तक नहीं बनी। 2 साल ये बीत गए सरकार में आए हुए, आज भी नहीं बनी। आज ये हालत हो गई है कि खुद मुख्यमंत्री रोड से नहीं जा सकते हैं। मैंने तो घोषणा की है कि 1,00,000 रुपए का इनाम मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि मुख्यमंत्री वीडी शर्मा इंदौर से कार में बैठ के चले जाएं। हमारे अरुण बोरा जी की कार हम उनको दे रहे हैं, पूरा पेट्रोल भरा के दे रहे हैं कि उसमें बैठे और चुनाव प्रचार करने खंडवा तक जाएं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है कि उन रोडों पर जाएं। अपनी जान जोखिम में डालना नहीं जानते। जनता मरे तो मरे, ना उनको कोई मुआवजा देना है, ना उनकी कोई मदद करना है, ना रोड के गड्ढे भरना है। तो ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में किस काम का। इसलिए हमने 2 सेवाएं शुरू करने की मांग की है, 200 गाड़ियों की अनुमति मांगी है। एक बैलगाड़ी सेवा है, एक हॉर्स सेवा है। एक वीडी शर्मा के नाम पे सीएम इन वेटिंग रखा है उसका कि वो मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, और एक घोषणा वीर के नाम पे रखी है जो शिवराज जी के नाम पर है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।